न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स। खबर निवाली से है, जहां पानसेमल विधानसभा स्तरीय आज कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा भी लिया। क्षेत्रीय विधायक इस कार्यक्रम में अनुपस्थित देखी गई। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से इसकी तैयारी में जुट चुकी है। आज के निवाली के इस कार्यक्रम में कांग्रेस के घोषणा पत्र की 5 बड़ी घोषणाओं को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। वहीं इस दौरान नारी सम्मान योजना को लेकर घर घर ले जाने की बात भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कही। वहीं क्षेत्रीय विधायक चंद्रभागा किराड़े के खिलाफ कई कार्यकर्ताओं ने विरोध में भी बोला और कई गंभीर आरोप भी उन पर लगाए। विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह से कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी और अपने नेताओं के खिलाफ मुखर होकर बोलने भी लगे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस कार्यक्रम को लेकर विधायक मैडम को कई बार फोन भी लगाया, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। ऐसी परिस्थिति हो रही है कि वह एक उम्मीद लगा के रखते हैं कि हमारे नेता है, हमारा विधायक है, लेकिन हमारे पानसेमल विधानसभा क्षेत्र की एक परिसीमन जब हुआ 2008 राजपुर से, तब पानसेमल अलग हुआ, लेकिन आज महेश कुमार वर्मा, मैं राष्ट्रीय मछुआ कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूं और पानसेमल जनपद पंचायत का विधायक प्रतिनिधि भी हूँ। आने वाले विधानसभा को लेकर पानसेमल विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्यकर्ता का सम्मेलन आयोजित किया गया, कैसे देखते हैं? विगत कई दिनों से देखा जा रहा था कि क्षेत्र के विधायक के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सरपंचों को काम दिया जा रहा था और यहाँ तक कि उनके भूमि पूजन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित नहीं किया जा रहा था। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश था। विधायक निधि का भी उचित लोगों को नहीं दिया जा रहा था। अपात्र लोगों को देखकर उनसे शेष राशि वसूल की जा रही थी। इससे क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष था और कार्यकर्ता परिवर्तन चाह रहे हैं कि चंद्रभागा किराड़े को छोड़कर किसी को भी अगर यहां से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी और पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। ये माना जाए कि नाराज कार्यकर्ता यहाँ पर उम्मीदवार बदलने के लिए तत्पर है? नहीं, यहाँ दोनों मकसद थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता कार्य करने को तत्पर है, वो कमलनाथ जी के द्वारा जो वचन पत्र बना गया उसके 5 बिंदुओं को वो घर घर पहुंचाने के लिए आतुर है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक के द्वारा उन्हें नारी सम्मान योजना और 500 रुपये में जो सिलेंडर देंगे, इससे जो फार्म भरे जा रहे हैं, ये उपलब्ध नहीं कराए गए। इसलिए कार्यकर्ता ने यहाँ मीटिंग रखी थी कि अगर विधायक मोदी उपलब्ध नहीं कराते तो कार्यकर्ता चंदा करके अपने जेब के पैसों से फार्म छपवाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाके नारी सम्मान योजना के और कांग्रेस के वचन पत्र के जो मुद्दे उन वो लोगों को बताएंगे। आने वाले चुनाव को देखते हुए पानसेमल विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार कैसे जीतेगा और कांग्रेसी कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए आज यहाँ पूरे पानसेमल विधानसभा के कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर जो है आने वाले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को कैसे जिताने के लिए जो है बातचीत करी और जवाबदारी लेकर कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्र में जो है काम करने की जिम्मेदारी ली है और कार्यकर्ता को जिताने की जिम्मेदारी ली है। स्थानीय विधायक इस कार्यक्रम से नाराज रहे, क्या कारण? हो सकता है कि स्थानीय विधायक से जो है कार्यकर्ता नाराज है, असंतुष्ट हैं, कई सारे कामों को लेकर भी जो है कार्यकर्ता में नाराजगी है, तो उनके मन में ये डर होगा कि कार्यकर्ता मुझे कुछ कहेंगे जो कि मेरी कहीं ना कहीं कमी रही, इसलिए जो है विधायक महोदया जो है नहीं आई होगी, या उनका कोई निजी कार्यक्रम होगा या कहीं बाहर गई होगी इसलिए नहीं आई होगी, ये हमको लगता है। Thank you.